के दुकान पर अभी टाइम हुआ है 5:17। बढ़िया बढ़ गया, बड़े थिएटर राजा जी वाले। उस दिन में इनका पेंट वर्क चला हुआ था, अब इनका पोस्ट वर्क सारा हो गया कंप्लीट। वेलकम अगेन गाइस, टॉक शो का स्वागत है। किसने ब्लॉग में जा सकते आज का ब्लॉग शुरू, और बाकी यहाँ पर जो काम है मारा हो गया कम्प्लीट। और भारत का जो आवाज़ सुनो पीछे यार, पहले तो यार 2 मिनट पहले है ना, बड़ी आवाज़ यहाँ पर, इतना सुकून है यार। और बाकी भाई अब बात ऐसी कि सारा काम हो गया कम्प्लीट, बाकी हाथ मुँह की बुरी हालत है भाई। तुम पुलिस जब करते ना तब हाथ और मुँह सिर ना के तकड़े तरीके से खराब होते हैं यार। बाकी हाथ में धोते हैं, सिर तो जो धोएंगे घर जाकर ही, अब घर जाकर नहाना पड़ेगा एक बार। तो उससे पहले जाना हमें सिद्धपुर में, तो अभी टाइम हुआ है यहाँ पर अभी 4:36 हो गए हैं। तब ऐसा करते हैं कि सामान सारा क्लोज हमारा, तब चलते हैं, चाय बन गई, चाय पीते हैं और फिर लो भी आज लगा पूरे दिन फाका लगा, आज खाना मिला नहीं। चलो कुछ तो मिल के जे क्या पकौड़ू जैसे, चलो कुछ भी है यार, स्वाद है यार बढ़िया बढ़िया यार, स्वाद है खाने में। तो ऐसा करते हैं आपसे मिलते सीधा दुकान पर, तो चाय पीने के बाद यहाँ पर थोड़ा एल्युमिनियम का काम था उसका भी साइज ले लिया, तब मिलते सीधा के दुकान पर। अभी टाइम हुआ है 5:17। तो आपको याद होगा उस दिन लेके गए थे दरवाजे एल्युमिनियम वाले, उस दिन वहाँ पर हमने फिट नहीं किए थे, तो अभी वहाँ पर जनकों को संभल करना, वहाँ पर फिट करना दरवाजों को। अब जाना पड़ेगा वहाँ पर सिरपुर में, तो अभी आपको टाइम बताया मैंने 5:57, तो लगभग चलो एक आधा दरवाजा तो फिट हो जाएगा उनका। चलो फिर आज फाका ही है पूरे दिन आज, तो चलो फिर चलते हैं सीधा सिरपुर में। सामान हो गया हमारा पैक, वो आगे स्कूल का सामान, तो अब चलते हैं। चलो फिर आप इन्जॉय करो आगे। तो जैसा आपको पता ही है कि अब हमने जाना सीधे सिद्धपुर में, तो वहाँ पर करने पल्ले बिट। तो देख साइड पर निकलते हैं क्योंकि तो वहाँ पर भी टाइम लगेगा। वैसे करते यहाँ आगे दुकान से लेते हैं कोक वगैरह, लेते हैं कुछ पीने के लिए आज पूरे दिन, अगर खाने में खा फाका। चलो ये आगे रोडी, तो यहाँ की दुकान यहाँ से लेते सामान, कोल्ड ड्रिंक लेते एक और के लेंगे यार, बाकी खाना खाएंगे शाम को घर पे ही। खाना घर पे तैयार पड़ा है, तो वही मिलेगा शाम को। तो यहाँ रुकते यार, यहाँ से लेते सामान थोड़ा, बाकी चाय तो वहाँ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो लो जी पहुँच गए तुनी कटियाला, तो जी अगर सामने ऊपर रास्ता गया पालमपुर की तरफ, हम जाएंगे नीचे सिद्धपुर की तरफ। भाई यार क्या कलर निकल के आ रहा सामने, देखो यार कितना बढ़िया लग रहा कलर ये वाला ना। तो बस पहुँचने वाले हैं, एक नंबर यार कितने बढ़िया लग रहे बादल और कलर कितना प्यार लग रहा अभी इस टाइम। फाइनली पहुँच गए भाई साइट पर, अब ऐसा करते हैं कि सामान लेते हैं और चलते हैं सीधा साइट पर ऊपर। आपको कहता हूँ आपको दरवाजे कौन से फिट करने हैं यहाँ पर, ये वाले दरवाजे। अब अभी याद आपको, ओ भाई खतरनाक, बढ़िया बन गया बढ़िया।
ये वाले से दरवाजे उस दिन रखी थी अम्मा, अब ये करने थे दरवाजे ये वाले। उस दिन में इनका पेंट वर्क चला हुआ था, अब इनका पॉलिश वर्क सारा हो गया कम्प्लीट, अब चौकटम सारा पॉलिश हो गया, अब ये लगेंगे दरवाजे। अब एक यहाँ पर ध्यान देना दरवाजे और चौकट के बीच में कितना बढ़िया इसका कलर कम्बिनेशन आ रहा है दोनों का आपस में। जो चौकट उन्होंने की है वुडन शेड में, ये देखो, और पेंटर ने भाई इतनी बढ़िया तरीके से की है। अब हमारा जो दरवाजा बिल्कुल तैयार है, अब इसको बाहर से लगाया जा रहा है हार्डवेयर, इसमें हार्डवेयर बाहर से आएगा आपका हैंडल और टावर बोल्ट बाहर से, तो वो लगा रहे हैं। तो अंदर से दरवाजे में रखना दबाकर, क्योंकि ड्रिल के साथ पड़ता है जोर, तो अंदर को कुछ है नहीं लगा भी चटने वगैरह, अंदर से इसको रखेंगे दबाकर, बताता हूँ आपको बाहर से मैं। बाकी इसका कलर देखो कितना प्यारा लग रहा है ये वाला, बीच में वुडन कॉफी फिर वुडन, बढ़िया लग रहा है कम्बिनेशन। जैसे बर्फ लगा रहा तो जोर लग रहा पूरा। तो ये देखो, ये आ गया इसका हैंडल और टावर बोल्ट, बिल्कुल स्मूथ बढ़िया। तो लो भाई फाइनली हमारा दरवाजा हो गया ये वाला कंप्लीट, इसमें हार्डवेयर कंप्लीट है अंदर दोनों तरफ से, अंदर बाहर दोनों तरफ से। बाकी वो आया जेल दरवाजा, इसमें लगा रहे हार्डवेयर। बाकी इसके जो रेशे है ना दरवाजे की शीट के साथ, इसकी शीट के साथ बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है यार कलर, इसका कम्बिनेशन जो है ना बिल्कुल एक नंबर लग रहा है बिल्कुल। ये तो बात है भाई, बढ़िया लग रहा है। बाकी आपको अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना। तो ये दोनों दरवाजे हो गए कंप्लीट इस तरफ वाले। तो लगा तो मुझे ऐसा था कि दरवाजे हमारे 2 फिट होंगे, लेकिन आप सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा भाई, दरवाजे हम करके आएंगे फिट, आप अपना सपोर्ट बना कर सकते। तो इस दरवाजे में भी लगाया जा रहा बाहर से हार्डवेयर टावर बोल्ट और हैंडल। तो ये रहा हमारा टावर बोल्ट और हैंडल, स्मूथ है, पेच लग गए सारे इसके, बढ़िया हो गया। ये थोड़ा सा लग रहा मेरे को नोकदार लग रहा है। तो ऐसा करते पीते चाय, चाय के लिए बोला इन्होंने चाय आ गई है, तो चाय पीते हैं यार कम से कम, चलो थोड़ी भूख तो रुक जाएगी। तो लो भाई आ गई चाय, चाय पी लेते हैं यार, आज तो दिन में बस चाय चली हुई है पूरे दिन। तो ये आ गया हमारा दरवाजा नंबर 3, दरवाजे हमारे कंप्लीट हैं। ये आ गया दरवाजा नंबर 3, इसको करते कंप्लीट, इसमें लगाने सारे स्क्रू वगैरह। तो ये आ गया हमारा दरवाजा नंबर 3, और ये लगा 4 दरवाजा, ये आ गया 4th दरवाजा। तो अभी टाइम बताऊँ मैं आपको, तो टाइम हो गया 6:39, तो 4:30 बजे हम वहाँ से निकले थे, तो उस हिसाब से टाइम सही हमारा काम जो वाला हो गया जल्दी, तो चलो बढ़िया हो गया। तो अब ऐसा करते हैं चलते हैं घर पे, मिलते हैं यार। तो चलो भाई चले फिर, यहाँ वाला जो काम था हो गया कम्प्लीट, और अब आपसे सीधा मिलते हैं घर पर। तो लो जी फाइनली पहुंच गए, और जैसा आपने देखा कि आज जो है सफ़र बड़ा लंबा रहा, आज पहले गनेटा में गए, वहाँ से 5:30 आए फिर सिद्धपुर गए, अब उनके दरवाजे फिट गए, तो अब जाके घर पहुँचे और अब खाएंगे खाना। पूरे दिन जो है खाने के बिना निकला, आज पूरा चाय के साथ ही निकला, बस चाय 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 बस ये काम किया। और बाकी टाइम हो गया अभी 7:14, और आज जो बड़ा लंबा दिन रहा आज। बाकी चलो अब जाके थोड़ा सा घर पहुँचे, चाय पीते एक बार और फिर नहाएंगे एक बार, फिर उसके बाद नहाऊंगा चाय पीने के बाद। आज थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, पहले चाय पियेंगे फिर नहाएंगे एक बार। बाकी अब पानी पीते हैं पहले। भूख लगती है, अब सबसे जल्दी बनती है मैगी, तो शुरुआत करते पहले मैगी से ही। तो अभी तो खाना बनने में टाइम है, तो अभी तो खाना 8:30 बजे खाएंगे, तब तक मैगी खाते मिल रहे हैं और साथ में रहेगी चाय। तो आज अपना खाना, तो रात को चावल को खा रहे भाई, रात को बहुत दिन में खाया नहीं था, तो मैंने बोला रात को चावल ही खाते हैं यार एक बार, चावल प्याज और साथ में ये सफेद चने।
तो ऐसा करते हैं कि यहाँ करते हैं वीडियो का एंड और आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बीच लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, जिनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल कर लो सब्सक्राइब। जैसे कि आप ये वाला ब्लॉग देख रहे थे, लेकिन इसको देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा इसके जो पिछले जो लास्ट जो ब्लॉग थे ना, वो आपको देखने पड़ेंगे, तभी जाके आपको समझ में आएगा ये वाला ब्लॉग। तो ये वाला ब्लॉग तो था आज का शाम के 4:30 से लेकर रात को घर आने तक का ब्लॉग था ये वाला। लेकिन इससे पहले क्या काम किया, तो किस काम से हम वहाँ से आए हैं, तो उस चीज़ को आपको देखने के लिए जाना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मैं आपको वीडियो, और ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। बाकी जो कंटिन्यू देख रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए बंदे हैं तो भाई आप चैनल को लो सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में चैनल को लो सब्सक्राइब, एक भी पैसा नहीं लगेगा। और दूसरा, वीडियो देखने में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और बाकी भी लगाओ तो मैच इंडिया और जो श्रीलंका का, भाई मैं बोलता हूँ एक नंबर मैच हुआ आज तो, बैटिंग में बॉलिंग में इंडिया भाई एक नंबर आज तो। और श्रीलंका की टीम 60 रन तो बना ही नहीं पाई भाई, 60 रन से ऊपर तो गए नहीं, वो ऑल आउट हो गई पूरी टीम, होता मैच हार गए। लेकिन एक होता कि तोड़ के रख दी टीम को, आज बहुत सीन हुआ आज। बाकी सिर्फ रोहित नहीं चला, वो एक दुख है। दूसरा विराट कोहली का, बेचारे का 100 नहीं हो पा रहा था। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो भाई पूरी टीम का जो था ना एक नंबर। बुमराह ने तो भाई स्टार्ट में पहली गेंद से शुरू कर दी विकेट लेने, और लगातार इतनी लाइन लेंथ से ही कि जिसका कोई हिसाब नहीं भाई। और सभी बॉलर चले, सभी बॉलर चले आज तो भाई, बैट्समैन भी बढ़िया, बॉलिंग भी एक नंबर। तो भाई इस बार जो ICC वर्ल्ड कप लगा हुआ है, इसमें मज़ा आ रहा देखने में मैच। बाकी आपको कैसा लगा कि इंडिया के मैच में विराट का 100 होना चाहिए था इस मैच में, और रोहित शर्मा क्यों 4 रन पर आउट हो गया आज। बाकी आपको कुछ भी अच्छा लगे, बुरा लगे, कमेंट में नीचे लिख सकते हो। तो आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।